स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बंगाल के तेज गेंदबाज अशोक डिंडा सोमवार को एक अभ्यास मैच के दौरान चोटिल हो गए। ईडन गार्डन्स में खेले गए इस T20 मैच में डिंडा के माथे पर उस समय चोट लग गई जब वो अपनी ही गेंद पर कैच लेने की कोशिश कर रहे थे। बल्लेबाज बीरेंद्र विवेक सिंह के बल्ले से निकले तेज शॉट को डिंडा ने लपक ही लिया था, लेकिन गेंद उनके हाथ से फिसलकर माथे पर लग गई। ओवर खत्म होने के बाद डिंडा को स्कैन्स के लिए अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने उन्हें 2 दिन के आराम की सलाह दी है। 2011 की चैंपियन रह चुकी बंगाल टीम इस साल मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपना पहला मैच 21 फरवरी को मिजोरम के खिलाफ खेलेगी। बंगाल के तेज गेंदबाज अशोक डिंडा सोमवार को एक अभ्यास मैच के दौरान चोटिल हो गए। ईडन गार्डन्स में खेले गए इस T20 मैच में डिंडा के माथे पर उस समय चोट लग गई जब वो अपनी ही गेंद पर कैच लेने की कोशिश कर रहे थे। बल्लेबाज बीरेंद्र विवेक सिंह के बल्ले से निकले तेज शॉट को डिंडा ने लपक ही लिया था, लेकिन गेंद उनके हाथ से फिसलकर माथे पर लग गई। ओवर खत्म होने के बाद डिंडा को स्कैन्स के लिए अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने उन्हें 2 दिन के आराम की सलाह दी है। 2011 की चैंपियन रह चुकी बंगाल टीम इस साल मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपना पहला मैच 21 फरवरी को मिजोरम के खिलाफ खेलेगी।